नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपली रावत में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के 8 समुद्र तटों के बारे में जिन्हें ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला है। पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लू फ्लैग का मतलब क्या है और ब्लू फ्लैग स्टेटस मिलता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं, ब्लू फ्लैग क्या होता है। प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, मरीना और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों के लिए दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक परिसरों में से एक है। ब्लू फ्लैग स्टेटस का क्या मतलब है। ब्लू फ्लैग दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेबलों में से एक है, जो समुद्र तटों, मरीना और टिकाऊ नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग का स्टेटस प्राप्त करने के लिए कड़े पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा और पहुंच योग्यता मानदंडों की और श्रृंखला को पूरा किया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि भारत को ब्लू फ्लैग स्टेटस कब मिला। भारत के 8 समुद्र तटों को 6 अक्टूबर 2020 को ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला है। आइए शुरुआत करते हैं इंडिया के 8 बीचों के जो ब्लू फ्लैग स्टेटस में हैं। नंबर एक पे है घोघला, जो कि दीव में स्थित है। दीव भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ का समुद्र तट स्वच्छ और सुरक्षित, यह उन लोगों के लिए एक महान स्थान है जो गोपनीयता का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ पे पैरासेलिंग, सर्फिंग और केले की नाव जैसे कुछ पानी के खेल भी खेलने को मिलते हैं। समुद्र तट अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और परिवार की छुट्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। घोघला समुद्र तट दीव के प्रमुख शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर घोघला गांव में स्थित है। नंबर दो, शिवराजपुर समुद्र तट। शिवराजपुर गांव के पास गुजरात के द्वारका ज़िले में स्थित है। ये समुद्र तट सौर ऊर्जा से चलता है और विकलांगों के लिए अनुकूल है। यहाँ का समुद्र का पानी उथला और तैरने के लिए उपयुक्त समुद्र तट है। समुद्र तट तक हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। समुद्र तट का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक का है। इसमें मामूली प्रवेश शुल्क है और समुद्र तट पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है। नंबर तीन, कासरगोड समुद्र तट, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ये पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तट इस गांव के विशाल पार्क से विकसित हुआ है, जिसे कासरगोड गांव के वन समिति, वन विभाग और पर्यटक विभाग द्वारा पुनर्निवास किया गया है। कर्नाटका में इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समुद्र तट का विकास किया गया था। कासरगोड समुद्र तट 5 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ये वर्जिन समुद्र तट सफ़ेद रेत से ढका हुआ है और कुसिलनाथ से घिरा हुआ है। कासरगोड के चारों ओर की प्रकृति, सुंदरता और शांति उन लोगों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करती है जिन्होंने इस समुद्र तट का साथ चुना है। कर्नाटका के अधिकांश लोकप्रिय समुद्र तटों की तुलना में ये कम से कम भीड़भाड़ वाला है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आदर्श गंतव्य होगा जो कुछ शांति की तलाश में है। इस समुद्र तट के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, लोकल टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। नंबर चार, पडुबिद्री बीच, जो कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह समुद्र तट पडुबिद्री के छोटे से शहर के भीतर स्थित है, जो 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले दक्काबेली अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। पडुबिद्री आबादी का एक बड़ा हिस्सा तुलावा जातीय समूह का है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 NH 17 इस छोटे से शहर से होकर गुजरता है और उडुपी मैंगलोर मार्ग पर स्थित है। पडुबिद्री समुद्र तट उस व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थान है जो एक शांति समुद्र तट पर मौज मस्ती और रोमांचक का तलाश करता है। हालांकि कर्नाटका के समुद्र तट के साथ अधिक लोकप्रिय समुद्र तटों की तरह भीड़ नहीं है। पडुबिद्री समुद्र तट पानी के खेल और साहसिक सवारी के लिए जाना जाता है। समुद्र तट साफ और अच्छी तरह से रखा गया है। पांच, कपड़ बीच, जो कि केरला में स्थित है। केरल के इतिहास में कपड़ बीच ने ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन तटों पर 500 साल पहले सन 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में 170 पुरुषों ने पहली बार केरल में कदम रखा था। इस जगह में और इसके आसपास घूमने में इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चट्टानों और छोटी पहाड़ियों इसके आकर्षण को और बढ़ा देती है। आसपास के झोपड़ियों में हमेशा उत्कृष्ट स्थानीय व्यंजनों और चाय का भंडार होता है। कभी कभी प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। कप्पड बीच वास्तव में एक राजसी गंतव्य है जो हमेशा हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर छः, ऋषिकोंडा बीच, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का समुद्र तट शहर विशाखापट्टनम देश भर से भीड़ संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहाँ स्थित प्राचीन रेतीले समुद्र तटों के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं। वाइजाग शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र तट ऋषिकोंडा, जो वाइजाग का एक लोकप्रिय समुद्र तट है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। दक्षिण भारत के वर्जिन समुद्र तटों में से एक के रूप में जाना जाता है ऋषिकोंडा समुद्र तट। निसंदेह वाइजाग का सबसे अच्छा समुद्र तट में से एक है। शाम के समय यह समुद्र तट प्रकृति प्रेमियों
और साहसिक उत्साही लोगों के से घिरा हुआ रहता है, जो समुद्र तट के मनोरम दृश्य के बीच कुछ खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हैं और ठंडी हवा उन्हें सहला रही है। यहाँ पे पानी के खेल में शामिल पर्यटकों का यहाँ नियमित रूप से नज़ारा होता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश टूरिज्म ने समुद्र तट के आसपास रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं के साथ कॉटेज का निर्माण किया है, जिससे ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन गया है। ऋषिकोंडा समुद्र तट व्यापक रूप से अपनी सुनहरी रेत और बंगाल की खाड़ी का साफ लहरों के लिए जाना जाता है। हरे पौधों से घिरा ऋषिकोंडा समुद्र तट बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए एकदम सही तस्वीर है। नंबर 7, राधानगर बीच, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। हैवलॉक द्वीप में बसा राधानगर बीच भारत का सबसे अच्छा बीच माना जाता है। यहाँ पर हरे भरे जंगल द्वारा समर्थित रेत का एक प्राचीन खंड है। राधानगर बीच को आमतौर पर बीच नंबर 7 कहा जाता है। यह सीधे पोस्टकार्ड से दिखता है। टाइम मैगजीन ने इसे दुनिया के 7वें सबसे अच्छे समुद्र तट के खिताब से नवाजा है। राधानगर बीच न केवल हैवलॉक में बल्कि अंडमान द्वीप समूह में भी कई आकर्षणों में से एक है। ताड़ के पेड़ों से युक्त समुद्र तट पर्यटकों को प्रकृति के बीच आराम करने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। नील का कोव एक प्राचीन लगून है और कम ज्ञात स्थानों में से एक है। यह आकर्षण फोटोग्राफी के अपार अवसर भी प्रदान करता है। हालांकि सूर्यास्त के बाद पानी में तैरना सख्त वर्जित है। नंबर 8, गोल्डन बीच, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। गोल्डन बीच पूरी जो अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण बड़ी संख्या में लोगों के आकर्षित करता है। इसमें एक सुरक्षित स्नान क्षेत्र, वॉच टावर, सोलर लाइटिंग सिस्टम, सार्वजनिक शौचालय और बहुत कुछ है, और यहाँ विकलांगों के अनुकूल भी है। गोल्डन बीच पर वार्षिक पूरी बीच फेस्टिवल हर साल होता है। यहाँ का प्रदर्शित रेत कला निश्चित रूप में आपका दिल जीत लेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई और रोमांचक जनक वीडियो के साथ।